स्कूलों में रामनवमी नहीं मनाई जाएगी, जन्माष्टमी, दुर्गा पूजा, गणपति उत्सव ये सब नहीं होगा। महाराणा प्रताप, शिवाजी आदि इन लोगों को गुप्त रखा जाएगा। देश के वीर वीरांगनाओं को, रानी हाड़ा जैसी श्रेष्ठ नारी को बच्चे नहीं जानेंगे, लेकिन जहां 2-4-5% मुश्किल से ईसाई कम्युनिटी है, वहां हर एक स्कूल में हर एक बच्चे को सांता क्लॉज ज़रूर बनाया जाएगा। प्लास्टिक का पेड़ आदान प्रदान ज़रूर होगा। 10-20% मुसलमान हैं, लेकिन हर एक हाथ में आपको, हर एक हिंदू के घर में आपको ताजमहल ज़रूर मिल जाएगा। तस्वीर में गांव-गांव देखो, छोटे गिफ्ट के रूप में ताजमहल ज़रूर मिल जाएगा आपको। तो ये जो गुलामी है हमारे खून से, ये निकली नहीं है, और इस गुलामी ने नाम ले लिया है सेक्युलरिज्म। इस गुलामी को नाम दे दिया गया है बड़ा हृदय। ये बड़ा हृदय नहीं है, ये कमज़ोरी वाली बात है। एक समय था जब जाजिया कर लगाया जाता था। अकबर ने कहा था कि सभी लोग अपने अपने धर्म को, अपने अपने उसको छोड़ करके यहाँ इस राजसभा में बैठें। उस समय बुंदेलखंड के राजा मधु शाह, तो उन्होंने, उनकी रानी थी गणेश देवी, बड़े भक्त थे, राधा बल्लभ जी को वृंदावन के मानते थे, मैंने आपको कथा सुनाई थी। तो वो अकबर के दरबार में अपने तिलक के सहित गए थे। उनके माथे पर तिलक था, उनके कंधे पर जनेऊ था, उनके सर पर चोटी थी। तो अकबर को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन सभी राजा इस समय भड़क जाएंगे, हिंदू राजा, इसलिए उसने घुमाकर बात कही। उसने कहा, क्या आपको नहीं पता मैंने यहाँ सभी धर्म के लोगों को अपना अपना चिन्ह छोड़कर आने के लिए कहा है? आपके अन्य राजा यहाँ पर बैठे हैं जिसके किसी के माथे पर तिलक नहीं है। तो राजा मधुसूदन शाह ने कहा, मैं बुंदेलखंड का राजा हूँ, मैं राधा बल्लभ जी को मानता हूँ, ये जो मेरे माथे पर तिलक है ये मेरे अस्तित्व की पहचान है, मेरे सनातनता की पहचान है, और ये मात्र कोई चिन्ह नहीं है, ये मेरे प्रभु के चरणों का निशान है। मैं मेरे प्रभु के होने को अपने माथे से कैसे हटा सकता हूँ? मैं मेरे परमात्मा के चरण चिन्ह को, मैं मेरे परमात्मा के होने को अपने मस्तिष्क से पहुँच नहीं सकता, मिटा नहीं सकता। यही तो हमारा जीवन है। अगर हमें तिलक पहुँचना पड़े तो हम अपनी गर्दन न कटा दें और बाद में मुगल शासकों ने, अकबर आदि ने बहुत सताया था बुंदेलखंड को, लेकिन चारों तरफ से घिरे हुए और उनके खुद के मंत्री जब विद्रोही हो गए थे तब भी राजा ने हार नहीं मानी थी। और इधर गणेश देवी भेष बदल कर चारों तरफ नज़र रखती थी, क्योंकि ये छापामार युद्ध था, धीरे धीरे गांव-गांव फैलाया जा रहा था एक क्रम, जिसमें या तो अपने धर्म की पहचान छोड़ दो या तो तुम्हें जाजिया कर देना पड़ेगा। तो कुछ लोग इतना अधिक कर देना पड़ेगा इसीलिए तिलक आदि पहुंच देते थे, जनेऊ, और फिर धीरे धीरे हल्ला मच गया, केवल पंडित पंडित ही जनेऊ धारण करें और कोई नहीं। तो फिर जो खाली पंडित पंडित थे वो लोग जनेऊ धारण करते थे, चुटिया धारण करते थे, उनके पास इतना कर देने की सामर्थ्य थी नहीं, तो उनको ये तय किया गया
कि ये हमारे पास हमारे लिए कुछ कर्म कांड करेंगे, इनको कुछ धन दे दिया जाएगा, इनसे कर नहीं लिया जाएगा। तो इस तरह जो आचार्य थे, जो सबसे ऊंचा को वो था, उसको तो केवल यजमान से कुछ मिलेगा, इस तरह लोभी बना दिया गया और बहुत दीनहीन जीवन कर दिया गया। उस दीनहीनता की छाप आज तक दिखाई पड़ती है कि पांडे जी जरा चाय लेके आइए, जितने आपको बड़ी बड़ी नौकरियों पर मिलेंगे वो सब वो लोग मिलेंगे जो आरक्षण से पहुँचे हैं, वो लोग मिलेंगे जो उस तरह पहुँचे हैं, और जो बहुत पढ़ा लिखा समाज कभी हुआ करता था वो आज कहीं ना कहीं अभाव में दिखाई देगा। आरक्षण वाला 40% पे भी नौकरी पा जाएगा और बिना आरक्षण वाला अगर 100% ले आए तो भी शक है कि नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, काम मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्या करे, कुछ तो करने के लिए नहीं बचा, और हाथ में पोथी पकड़ के चले, पूजा पाठ करे तो दुनिया मजाक उड़ाती है, और इतना भी नहीं मिलता जिससे जीवन यापन हो सके। धोती कुर्ता वाले को कहीं बड़े लोगों की सभा में सम्मान से शायद नहीं देखा जाता। बड़े बड़े लोग अपने ही उसमें रुतवे में रहते हैं। साधो, ऐसी स्थिति में समाज के एक ऐसे दौर से गुजर रहे थे मधुसूदन शाह। उन्होंने जाजिया कर देना स्वीकार किया, लेकिन दूसरे के धर्म को अपनाने के लिए तिलक पहुंचना अनिवार्य नहीं किया। यही कारण है कि उस समय अकबर बुंदेलखंड में प्रवेश नहीं कर पाया था। अगर वो मध्य प्रदेश के शासन को जीत लेता तो उसको बहुत बड़ा बल मिलता, लेकिन वो लोग यहाँ पर अपना वर्चस्व जमा नहीं पाए। इसके कारण गरीबी बहुत हो गई, क्योंकि जाजिया कर बहुत बड़ा कर था, इतना बड़ा कर निकाल पाना कठिन था, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए कर तो निकाला, पर उसके कारण भूखमरी गरीबी से इस क्षेत्र को जूझना पड़ा, जिसका आज भी हम स्वरूप देखते हैं कि बहुत से गांव ऐसे हैं जहां लोगों पर 2 जून की रोटी भी नहीं है। लेकिन अपने धर्म को उन्होंने नहीं छोड़ा, ज़्यादा से ज़्यादा एक समय भूखा सो गए, लेकिन सनातनता की उन्होंने यहां रक्षा करी और अकबर आदि मुगलों को यहां पर घुसने नहीं दिया, ऐसा उन लोगों ने किया। लेकिन आज जब वो 10-20% भी नहीं है, आज जहाँ 2-5% भी ईसाई कम्युनिटी नहीं है, 80% जहाँ हिंदू बालक पढ़ते हैं, वहाँ पर भी उन त्योहारों की छुट्टी हो रही है जिन्हें हिंदू बालक जानते भी नहीं हैं, उनको तो बकरा काटना नहीं है, फिर उनकी छुट्टी क्यों, उनकी पढ़ाई क्यों मारी गई।